तो फ्रेंड्स आधा घंटा हो गया था और मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया है और अब मैंने इस बाल को ड्राई कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इसके हाईलाइट का जो रिज़ल्ट है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। बस इसका एक ही मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा कि इसमें प्रोडक्ट आपको बहुत ज़्यादा कम मिलती है। अगर प्रोडक्ट ज़्यादा मिलता तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन अगर मैं हाईलाइट की बात करूँ, जितना भी प्रोडक्ट था और जितने भी एरिया पर मैंने हाईलाइट किया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हाईलाइट हुआ है और बहुत ही ज़्यादा विजिबल है रिज़ल्ट। फ्रेंड्स हम हाईलाइट करते हैं इसीलिए है क्योंकि हमें उस एरिया को हाईलाइट करना होता है, विजिबल दिखाना होता है, और इस वाले हेयर कलर ने वही चीज़ की है। बहुत अच्छे तरीके से मेरे बालों को हाईलाइट किया है और बहुत अच्छे तरीके से इसके जो रिजल्ट्स हैं वो विजिबल है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम प्रिया एंड यू आर वॉचिंग वीडियो टेस्टर। फ्रेंड्स आज मैं रिव्यू और डेमो करने वाली हूँ स्ट्रीट्स के हेयर कलर का। ये हेयर कलर मैंने अपने बालों को हाईलाइट करने के लिए लिया है, वैसे ये हाईलाइटर ही है, और ये इसका जो प्राइस है वो मुझे पड़ा है 160 रुपीज़। लास्ट टाइम जब मैंने अपने हेयर को हाईलाइट किया था तो उसका वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, और वो वाला जो हाईलाइटर था वो गार्नियर का था, और वो वाला वीडियो भी मेरे चैनल के ऊपर अपलोड है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं। बट अब मेरे हेयर पे कलर जो है वो लाइट हो चुका है और मुझे बाहर जाना है, तो मैं दोबारा से अपने बालों को हाईलाइट कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है स्ट्रीट्स का हाइलाइटर और आज मैं इसी से अपने बालों को हाईलाइट करने वाली हूँ। मैंने पार्लर से कोई भी एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट नहीं करवाया हुआ है पहले भी अपने बालों में, तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीटेड नहीं है, इसलिए मैं आराम से अपने बालों को हाईलाइट कर सकती हूँ और मेरे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज भी नहीं होते हैं। लास्ट टाइम जब मैंने कलर किया था और उस कलर को किए हुए मुझे 5-6 महीने हो चुके हैं और मेरे बाल स्टिल अभी भी बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुए हैं, इसलिए मैं दोबारा से ये हाईलाइट कर रही हूँ। तो ये हमें इस टाइप के कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर वो सारे कलर्स मिलते हैं जो भी है इसके अंदर, और उसके बाद ये इस तरीके की प्लास्टिक की हमें कटोरी सी दी जाती है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। इसको मिक्स करने के लिए आपको एक अलग से मिलता है, और ये इस तरीके का एप्लीकेटर दिया जाता है जो कि आपके बालों को हाईलाइट करने का काम करेगा, और उसके अंदर ये हमें पाउच दिया जाता है जिसके अंदर आपको दिया जाता है कंडीशनर एंड कंडीशनर। ओके, इसके अंदर 2 कंडीशनर दिए गए हैं आपको। अगर किसी किसी के लॉन्ग हेयर हैं तो वो आराम से इस दोनों को यूज़ करके अपने बालों को कंडीशन कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये आपको दिया जाता है ग्लव्स, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको 1 पेयर ऑफ ग्लव्स मिलता है ताकि आप आराम से अपने हेयर पे इस कलर का एप्लीकेशन कर पाएँ और आपके हाथ बिल्कुल भी गंदे ना हो। फ्रेंड्स ये कलर करना बहुत ही आसान होता है, आप घर पे अकेले भी रहते हैं तब भी आप इस कलर को आराम से कर सकते हैं। इसको बस मिक्स करना होता है और अपने बालों पर अप्लाई कर लेना होता है। आपको इसके लिए अपने बालों को पहले ही वॉश करके सुखा लेना है। आपके बालों पे किसी भी तरीके का ऑयल नहीं लगा होना चाहिए और ना ही किसी तरीके का सीरम लगा हुआ होना चाहिए। तो मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया है और अभी मेरे बाल पूरी तरीके से सूख चुके हैं, तो अब मैं इस कलर को अप्लाई करूँगी। और इस कलर को अप्लाई करने के बाद इसको वॉश करना है आपको, और इसको वॉश करने के लिए आपको किसी भी शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है, बस पानी से इसको वॉश कर लेना है और इसके साथ जो हमें कंडीशनर दिया जाता है उस कंडीशनर को अप्लाई करके 1 से 2 मिनट तक आपके बालों में लगे रहने देना है, और उसके बाद फिर से पानी से वॉश कर लेना है और आपका ये जो कलर का प्रोसेस है वो कम्प्लीट हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले हमें ये दिया जाता है ब्लॉन्डर पाउडर, इसके अंदर पाउडर है, और उसके बाद ये डेवलपर दिया जाता है जिसको हमें दोनों को मिक्स करना होता है। तो मैं इसके अंदर आज इसको मिक्स नहीं कर रही हूँ, मेरे पास यहाँ पे शीशे का बाउल है, मैं यहाँ पे इसको मिक्स कर रही हूँ। आपको कलर को मिक्स करने के लिए या फिर ब्लीच वगैरह को मिक्स करने के लिए हमेशा शीशे का बाउल या फिर प्लास्टिक का बाउल ही यूज़ करना होता है। कभी भी आप स्टील वगैरह के बर्तन यूज़ ना करें क्योंकि वो उसके साथ रिएक्ट करके कलर को चेंज कर देता है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों को अब हम सबसे पहले मिक्स करेंगे। सबसे पहले मैं ब्लॉन्डर पाउडर को कट कर रही हूँ। और इस पूरे पाउडर को इस बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। उसके
उसके बाद मैं कट कर रही हूँ डेवलपर। और इसको भी आपको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, ये जो पाउडर है वो थोड़ा सा दरदरा मुझे लग रहा है, तो मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। क्या पता ये अच्छे तरीके से मिक्स करने पे ब्लेंड हो जाए। और जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते जाएंगे, इसके जो बारीक बारीक दाने हैं वो ब्लेंड होता जाएगा। और अगर आपके हेयर लंबे हैं तो आप अपने हेयर्स को पहले डिटेंगल कर लें, अच्छे तरीके से कॉम कर लें। कोई भी टैंगल्स वगैरह आपके बालों में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो कलर का एप्लीकेशन सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो मैंने बालों को डिटेंगल तो किया था, लेकिन मैं फिर से एक बार कॉम कर रही हूँ अपने बालों को। और जब भी आप कलर वगैरह करने के लिए बैठे तो कोशिश करें कि आप हमेशा पुराने टी शर्ट या फिर जो डार्क कलर के टी शर्ट्स होते हैं उन्हीं को पहन के रखें। अगर लाइट कलर के पहन लेंगे तो उनके ऊपर कलर लग जाएगा और फिर वो छूटता नहीं है जल्दी से। तो इसलिए आप हमेशा कोशिश करें कि पुराने कपड़े या फिर डार्क कपड़े ही पहन कर बैठें कलर करते टाइम। फ्रेंड्स, इसको आपको अपने जो रूट्स होते हैं उससे थोड़ा हटके ही लगाना होता है। और ये हाइलाइटर का किट है तो आपको बाल थोड़ा थोड़ा छोड़ के ही लगाना है, बिल्कुल पूरे बालों में नहीं लगा लेना है, नहीं तो बहुत अजीब लगेगा। थोड़े थोड़े स्ट्रेंथ पे लगाएं, थोड़े थोड़े पे छोड़ दें, तभी हाइलाइटर का जो लुक है वो काफ़ी अच्छा आता है। और इसको आपको अपने स्किन के ऊपर टच नहीं करना है, क्योंकि इसका जो डेवलपर है वो 30 है। 20 नंबर का जो डेवलपर होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, वो अगर टच भी हो जाए तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। बट ये जो डेवलपर है जो 30 नंबर का आता है वो बहुत हार्ड डेवलपर होता है, तो आपके स्किन पे नुकसान करता है, तो वो आपके स्किन को टच नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। तो आप देख सकते हैं, एक मैंने यहाँ पर करवाया है और एक वहाँ करवाया है, एक पीछे, दो तीन पीछे हो जाएंगे, फिर एक दो यहाँ साइड में, तो इतना ही इनफ होता है। आपको जस्ट ऊपर के जो हेयर के लेंथ हो, आपके जो ऊपर के हेयर होते हैं जस्ट उन्हीं को हाईलाइट करना होता है।
फ्रिंज पार्लर्स में जाके जो हम हाईलाइट कराते हैं वो लेयर बाय लेयर कराते हैं और उसमें प्रोडक्ट भी ज़्यादा लगता है, बट ये जो छोटे वाले किट आते हैं उसमें इतना ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं होता है। ये जो प्रोडक्ट आता है इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम होती है, इसलिए आप 10 से 12 ही स्ट्रिप्स कर सकते हैं अपने बालों में। तो थोड़ा गैप डाल डाल के करें तो आपके पूरे बालों में बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, तो तीन यहाँ पर हो गया मेरा, तीन ये इस साइड हो जाएगा और एक दो पीछे हो जाएंगे, तो आराम से आपके पूरे बाल कवर हो जाएंगे। मेरी जो लेंथ है वो भी काफ़ी अच्छी खासी है, बहुत कम लेंथ नहीं है मेरे बालों की, कमर तक की लेंथ है मेरी, तो इतने बालों में आराम से 7-8 स्ट्रिम्स तो आराम से हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हम बहुत सारे काम ऐसे कोशिश करते हैं कि हम घर पे खुद से ही कर लें, पार्लर जाने की हमें ज़रूरत ना पड़े। हम दो ही जने हैं तो एक दूसरे की हेल्प कर लेते हैं और इसी तरीके से हमारा बहुत सारा जो पार्लर का काम है और बहुत सारे जो पैसे हैं हमारे पार्लर में इन्वेस्ट होने वाले वो बच जाते हैं इससे। तो आप लोग भी ऐसे ही कोशिश करें कि अगर आपकी कोई हेल्प करने वाला है या फिर आप खुद से भी कर सकते हैं तो कोशिश करें कि बहुत सारी चीज़ें आप घर पे ही निपटा लें। इससे आपके पैसे, टाइम और अभी का जो टाइम चल रहा है कोरोना के वजह से, तो सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप घर पर ये सारी चीज़ें आराम से कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा इतना डिफ़िकल्ट काम नहीं होता है ये, तो इसे आप आराम से घर पे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप अपने बालों में कलर करें और आपके पास घर में फॉइल पेपर हो तो आप फॉइल पेपर से जिस भी बालों पे कलर कर लें उसको रैप कर दें, उससे उसका रिज़ल्ट और भी अच्छा आता है। मैंने लास्ट टाइम ऐसे ही किया था, बट इस टाइम मेरे माइंड में नहीं था कि वो फॉइल पेपर मेरे घर में ख़त्म हो चुका है, और जब मैंने ढूँढा तो मुझे याद आया कि वो तो ख़त्म हो चुका है, इसलिए आज मैं फॉइल पेपर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। बस ऐसे ही अपने बालों को पीछे क्लचर कर लूँगी और इसको छोड़ दूँगी जितने भी मिनट तक हमें इसको छोड़ना है, करीबन आधे घंटे तक छोड़ना होगा इसको। फ्रेंड्स, जब मैंने इस हाइलाइटर को अप्लाई किया है तो ये बस 6 स्ट्रिप्स हो पाए हैं मेरे बालों में, यानी कि अगर आपके मेरे जितने लंबे बाल हैं, अगर कमर तक की लेंथ है आपके बालों की, तो आपको 2 पैकेट लेना पड़ेगा। लास्ट टाइम जब मैंने गार्नियर वाला किया था तो भी मुझे यही वाली प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था कि एक बार में एक जो किट होता है उससे पूरा नहीं हो पाता है हमारे बालों में। तो आप हमेशा जब भी आप कलर करें तो कोशिश करें कि 2 ले लें, 2 किट ले लें, तब आपका अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो मेरे आगे के बाल हैं उसके कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुके हैं, तो बहुत जल्दी ही जो है हाइलाइटर वो अपना इफ़ेक्ट दिखाना स्टार्ट कर देता है, आपके हेयर के कलर को चेंज करना स्टार्ट कर देता है। तो फ्रेंड्स, हाइलाइटर का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, तो अभी से हमें आधे घंटे तक अपने बालों में लगे रहने देना है, तो आप लोगों से मैं मिलती हूँ आधे घंटे बाद। तो फ्रेंड्स, आधा घंटा हो गया था और मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया है और अब मैंने इस बाल को ड्राई कर लिया है, तो आप देख सकते हैं इसके हाईलाइट का जो रिज़ल्ट है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। बस इसका एक ही मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा कि इसमें प्रोडक्ट आपको बहुत ज़्यादा कम मिलती है, अगर प्रोडक्ट ज़्यादा मिलता तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन अगर मैं हाईलाइट की बात करूं, जितना भी प्रोडक्ट था और जितने भी एरिया पे मैंने हाईलाइट किया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हाईलाइट हुआ है और बहुत ही ज़्यादा विजिबल है रिज़ल्ट। फ्रेंड्स, हम हाईलाइट करते हैं इसीलिए है क्योंकि हमें उस एरिया को हाईलाइट करना होता है, विजिबल दिखाना होता है, और इस वाले हेयर कलर ने वही चीज़ की है, बहुत अच्छे तरीके से मेरे बालों को हाईलाइट किया है और बहुत अच्छे तरीके से इसके जो रिजल्ट्स हैं वो विजिबल है। लास्ट टाइम जो मैंने लॉरियल वाला हाईलाइट किया था वो भी काफ़ी अच्छा हाईलाइट था और वो हमारे बालों को भी बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करता है, बिल्कुल भी मेरे बालों को उसने डैमेज नहीं किया था, बट उसका जो कलर था, उसका जो हाईलाइट था वो इतना ज़्यादा विजिबल नहीं था। अब मैं ध्यान से देखती थी तभी समझ में आता था, बट इसका जो हाईलाइट है वो बहुत ज़्यादा विजिबल है, दूर से भी अगर कोई देखेगा तो उसको पता चल जाएगा
कि मैंने अपने बालों में हाईलाइट करा रखा है। इस प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी थी वो बहुत कम थी, इसलिए मेरे बालों में सिर्फ 6 स्ट्रिप्स हो पाए हैं। और अगर आपके बाल लंबे हैं, मेरी तरह बाल हैं, तो आपको 2 पैकेट लेना चाहिए। इससे आपके पूरे बालों में यानी कि 12 स्ट्रिप्स हो जाएंगे। हाईलाइट का रिजल्ट है वो और भी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। और अगर हम प्राइस में कंपेयर करें तो लॉरियल वाला आपको ज़्यादा महंगा पड़ता है और स्ट्रीट्स का जो हाइलाइटर है वो सस्ता पड़ता है। लॉरियल वाला जो हाइलाइट था मेरा वो 300 के आसपास का था, 290 रुपीज़ का हाइलाइट था और उससे भी मेरे 5 to 6 स्ट्रिप्स ही हो पाए थे। और ये वाला जो हाइलाइट है वो 160 रुपीज़ का है और इससे भी मेरे 6 ही स्ट्रिप्स हो पाए हैं। तो मुझे वो वाला हाइलाइटर भी दो पैकेट लेना चाहिए था और ये वाला भी 2 पैकेट लेना चाहिए था। तो अगर मैं वो वाला 2 पैकेट लेती हूँ तो वो मुझे अराउंड 600 के आसपास का पड़ जाएगा और अगर मैं ये स्ट्रीट्स का 2 पैकेट लेती हूँ तो ये मुझे 300 रुपीज़ का पड़ जाएगा। वैसे ये 160 रुपीज़ का है बट शॉपकीपर कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे देते हैं, 5-10 रुपये तो दे ही देते हैं, तो मुझे भी 10 रुपये का डिस्काउंट मिल गया था। तो ये मुझे 150 रुपीज़ का मिला था, तो मैं 300 रुपये में ऐसे 2 पैकेट ले सकती हूँ और अपने बालों को बहुत ही अच्छे तरीके से हाईलाइट कर सकती हूँ। तो मुझे इसका ओवरऑल रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा वो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी हाईलाइट करना चाहते हैं अपने बालों को तो आप स्ट्रीट्स का ट्राई कर सकते हैं। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने खुद अपने पैसों से ख़रीदा है और तब अपने बालों को हाईलाइट किया है। मुझे अपने रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगे इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके से वीडियो टेस्टर फैमिली के साथ बने रहिए। तो चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टेस्टर। बाय।